मंच पर उपस्थित नीति आयोग के सदस्य और प्रधानमंत्री जी के आर्थिक सलाहकार प्रोफेसर विवेक देवराय जी, दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रबंध शास्त्र विभाग की अध्यक्षा प्रोफेसर सुनीता सेन गुप्ता जी, सभागार में उपस्थित विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले सभी सामाजिक संगठन, देवियों, सज्जनों और मित्रों, अभी कार्यक्रम की एक संक्षिप्त भूमिका नीति जैन ने आपको बताया है। अभी थोड़े दिनों पहले कार्यक्रम माइटी जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड का मंत्रालय है उसके द्वारा हुआ था, जिसमें स्वयं प्रधानमंत्री जी उपस्थित थे और वो कार्यक्रम देश भर में जो कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं 2 लाख केंद्रों पर देश के विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले लोग उपस्थित थे, स्वयं प्रधानमंत्री जी उस कार्यक्रम में थे और मुझे लगता है कि वो एक नींव इस देश में रखी गई थी कि आई से वी की यात्रा क्या होगी, माने मैं से हम की ओर हम देश को कैसे ले जाएंगे। हमारे देश में सामान्य रूप से ये स्वभावतः लोग स्वांतः सुखाय काम करने के आदी हैं। सामान्य जीवन में हमने देखा है, हवाई जहाज में आप यात्रा कर रहे हैं, बगल की सीट पर कोई बुजुर्ग आदमी बैठा है और पानी की बोतल निकालता है, नहीं खुल रहा है तो आप खोल के देते हैं, तो मुझे लगता है कि आपको जो सुख मिलता है शायद जिस प्रोफेशन में आप काम कर रहे हैं उस प्रोफेशन में भी उतना सुख नहीं मिलता। ये भाव मैं समझता हूं कि हमारे संस्कृति की विरासत है। अनेक नौजवान आजकल मैं देख रहा हूं कि खासतौर से जो युवा हैं इस तरह के अनेक काम, भले वो तकनीक से लैस हैं, काफी पढ़े लिखे हैं, लेकिन कई लोगों को आप भी जानते होंगे, मैं भी जानता हूं कि एक आईटी का प्रोफेशनल 3 घंटे रोज कार चलाता है। पूछा तो कहा कि इसलिए चलाता हूं कि गरीब आदमी को एक जगह से दूसरे जगह में पहुंचा देता हूं। तो मैं समझता हूं कि इसमें जो सुख मिलता है वो बड़ा से बड़ा आप व्यापार खड़ा कर लें, कोई कंपनी खड़ा कर लें, शायद उसमें सुख वो नहीं है। उस दिन प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही कि एक ऑटो ड्राइवर जो जिसकी जिंदगी की कमाई वही है, अपना परिवार उसी से पालता है, तो पीछे ऑटो पर लिखा हुआ था, सूरत की बात उन्होंने बताई, कि मरीज को मैं मुफ्त में ले जाऊंगा। अब कल्पना कीजिए कि गरीब आदमी जिसके पूरे परिवार का भरण पोषण उस ऑटो के मिलने वाले पैसे से चलना है, तो उसमें भी ये भाव है कि अगर मरीज है तो उसे मैं मुफ्त में ले जाऊंगा। और कल्पना कीजिए कि एक दिन केवल मरीज ही ले गया तो उसके परिवार को भोजन मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन लोगों में ये भाव है। तो मैं समझता हूं कि ये हमारे संस्कार में है और आजकल मैं देख रहा हूं कि खासतौर से 25 से 40 साल के जो नौजवान हैं इस तरह के कामों में विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, तो एक अच्छी शुरुआत अष्टव्रता ने की है। और ऐसे लोग कोई स्ट्रक्चर्ड वे में एक साथ हों, मैं समझता हूं जरूरी नहीं है, लेकिन मिशन मोड में देश में क्या हो रहा है एक दूसरे को जाने, और मैं समझता हूं कि सामूहिकता की जो ताकत है वो लक्ष्य प्राप्त करने में ज्यादा सहयोग करेगी, बल्कि अकेले अकेले साइलो में हम काम करें, तो एक सराहनीय प्रयास अष्टव्रता ने किया है। नया संगठन है लेकिन मैं मानता हूं कि एक अच्छी शुरुआत हुई है और इस तरह के लोग अगर संगठित होकर के कोई काम करेंगे तो देश में बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। सामान्य रूप से आप देखिए खाना खिलाने के लिए कई स्थान है, गुरुद्वारा बंगला साहिब में रोज खाना खिलाया जाता है, अनेक लोग जाते हैं जिनको भूख लगती है वो पहुंचते हैं, और खिलाने वालों का भी एक स्वभाव बना हुआ है, जाइए वो देंगे, एक दूसरे को पहचानते नहीं, उसमें वो आनंद नहीं है। लेकिन एक गरीब भूखा आदमी, एक गरीब आदमी के दरवाजे पहुंचता, वो अपनी रोटी एक उसको देता है, तो मैं समझता हूं जीवन भर वो गरीब आदमी उसको पहचान लेता है। तो ये जो भाव है मुझे लगता है कि ये आज सबसे महत्वपूर्ण है। इस तरह के क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं वो एक प्लेटफार्म पर आवे, एक दूसरे को जाने, और मुझे लगता है कि इससे एक बड़ा बदलाव हो सकता है।
सरकारी जो काम है, सरकार के द्वारा जो काम किया जाता है, मुझे लगता है उसे सब कुछ हासिल नहीं किया जा सकता है। और आज जो स्वच्छता अभियान की ताकत है, मैं मानता हूं कि केवल सरकार के कारण वो नहीं, ये सच है कि प्रधानमंत्री जी उसके प्रेरणा के स्रोत हैं। लेकिन जब ये घटना सुनने में आती है कि छत्तीसगढ़ की एक बुजुर्ग महिला, आदिवासी महिला, और मंगलसूत्र अपना बेच करके शौचालय बनाती है, तो ये हमारे देश को और समाज को प्रेरणा देता है। और ऐसे लोग मुझे लगता है कि निश्चित रूप से जो लक्ष्य है उसे हासिल करने में मदद करते हैं। तो धीरे धीरे यह एक जनभागीदारी का कार्यक्रम बने, विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले लोग एक मंच पर आवें। और मैं मानता हूं कि आज देश की तकदीर जो है वो तकनीक से है। जिस तरह से तकनीक में रोज बदलाव हो रहा है, तो आज के युग में और आसान हो गया, पहले यह कठिन काम था, लेकिन बदलती हुई तकनीक के कारण ये आज संभव है कि सब लोग एक दूसरे को जाने, एक दूसरे के काम को जाने, और एक क्षेत्र में काम करने वाले लोग एक दूसरे को कैसे मदद कर सकते हैं ताकि देश में बड़ा बदलाव किया जा सके। मैं इसके लिए नीति की सराहना करता हूं, उसके संगठन की सराहना करता हूं और शुभकामना देता हूं। देश के अत्यंत गिने चुने लोगों को आज इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया है नीति ने। मैं कहूं कि मैंने खुद भी विशेष रूप से आग्रह किया है, मैं चाहता था कि शुरुआत अच्छे ढंग से हो और फिर इसका विस्तार पूरे देश में हो, ऐसी मैं शुभकामना देता हूं। और प्रोफेसर विवेक देवराय जी का, प्रोफेसर सुनीता सेन गुप्ता जी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। आप सबको मैं बधाई भी देता हूं और साधुवाद भी देता हूं कि आप सब निमंत्रण पर आए। और एक निवेदन करता हूं कि कार्यक्रम के समापन तक मैं आपसे अपेक्षा रखूंगा कि सभागार में जरूर उपस्थित रहें। धन्यवाद।